हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हेल्दी चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आटा और गुड़ से बहुत ही हेल्दी केक, जिसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। और इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है और बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। और आज हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खुशी में आज हम एक हेल्दी केक फिर से लेकर आए हैं। तो चलिए इस हेल्दी केक को कैसे बनाना है देखते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ढक्कन ले लिए हैं। ढक्कन नहीं होगा, स्टैंड होगा, कटोरी होगा, कुछ भी आप रख कर उसे गर्म कर लीजिए लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। इसे हम अवन को प्री हीट करते हैं। और इधर हम केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह का बटर पेपर आता है बाज़ार में, अगर बटर पेपर नहीं है तो प्लेन पेपर भी लगा कर इसमें रखिएगा, केक बहुत आसानी से निकल आता है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा अभी तेल से इस तरह से ग्रीस कर देंगे और इसे भी हम साइड में रखते हैं। अब हम केक के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बोल में सबसे पहले हम आधा कप, हाफ कप यहाँ पे हम दही लिए हैं, 1/4 कप यहाँ पे हम तेल लिए हैं। सरसों तेल छोड़कर कोई भी तेल आप इसमें ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, जिसमें स्मेल कोई चीज़ का ना हो। और अब हम इसमें 1/2 कप जागरी पाउडर लिए हैं। जागरी पाउडर नहीं हो तो जो नॉर्मल जो गुड़ आता है उसे आप ग्रेट कर लीजिए पहले, उसके बाद उसे थोड़ा सा पानी देकर मेल्ट कर लीजिए, वो भी गुड़ आप इसमें यूज कर सकते हैं। और इन्हें हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। ये देखिए, ये जो वेट इन्ग्रीडियंट्स है हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक हम छन्नी लगा देंगे। ये हमारा तैयार हो गया वेट इंग्रेडिएंट्स, इसके ऊपर एक छन्नी लगा देंगे। और अब हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं, साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 मेजर बहुत ज़रूरी होता है केक में। तो एक बोल या गिलास कोई भी चीज़ से पहले मेजर कर लें, इस तरह से मेजर करके डालें। तो 1 टीस्पून हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिए हैं, 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे बेकिंग सोडा लिए हैं। और अब हम इसमें एकदम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। तो 1 पिंच नमक इसमें डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो नमक ज़रूर डालिएगा। एक बार डालकर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरह से हम नमक डाल दिए हैं। उसके बाद अच्छी तरह से हम आटा और बेकिंग पाउडर सोडे को अच्छी तरह से हम छान लेंगे, छानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए, हमने आटे और बेकिंग पाउडर को छानकर इस तरह से बोल में ले लिए। और अब हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में हमें सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्स नहीं कीजिएगा केक के बैटर को। और अभी भी केक थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का हम पहले से ही दूध उबाल के रखे हुए थे, हमने यहाँ पे 1/2 कप दूध लिए हैं। जितना ज़रूरत होगा उसमें हम डालेंगे और इसका हम एक परफेक्ट बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी भी गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा दूध हम और इसमें ऐड करेंगे। तो करीब 1/2 कप दूध लग गया है। तो इस तरह से अच्छी तरह से इन्हें हम मिक्स कर एक परफेक्ट बैटर बना लेना है। और ये हमारा केक के लिए बैटर बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और अच्छी तरह से इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम 2 से 4 टेबल स्पून एक कटा हुआ डेट्स है, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी ये केक हमारा बन के तैयार होता है। तो डेट्स ज़रूर डालें। और अब हम क्या करेंगे, जो केक टिन ग्रीस करके रखे हुए थे उसमें हम इस बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारे बैटर को अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर लें और 1-2 बार इन्हें आप टैप कर लें, इस तरह से टैप कर लें ताकि हवा इसमें ना रहे। और अब हम जो कढ़ाई गरम करके रखे हुए थे वो हम उसमें हम इसमें केक टिन को बैठा देंगे।
और इन्हें हम एकदम घड़ी देखकर 40 मिनट तक लो फ्लेम पे बेक करेंगे। 40 मिनट कंप्लीट होने वाला है। एक बार हम केक को फिर से चेक कर लेते हैं। बीच में खोल कर केक को नहीं देखना है, नहीं तो इसका टेम्परेचर लो होते जाएगा। इस तरह से एक नाइफ को बीच में देख लीजिए। ये देखिए हमारा नाइफ बिल्कुल ही क्लीन निकला है, इसका मतलब केक हमारा पक चुका है। और बीच बीच में केक को खोलकर नहीं देखना है, नहीं तो आपका केक अच्छी तरह से नहीं बेक होगा। और अब हम केक को निकाल लेते हैं और इन्हें हम ठंडा कर लेते हैं। और करीब हम एक घंटे के बाद अब हम केक को डिमोल्ड करेंगे। इन्हें इस तरह से पलट दीजिए, देखिए कितना आसानी से निकल गया ना। अगर बटर पेपर नहीं रहता तो आसानी से नहीं निकलता, थोड़ा सा दिक्कत होती है लेकिन वो भी निकल ही जाता है। इस तरह से पेपर को हम सेपरेट कर लेंगे अच्छा से। और ये देखिए कितना अच्छा जालीदार एक केक बना है, ये देखिए। और इन्हें हम कट करके आप लोगों को दिखाते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी केक आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा हेल्दी और स्पॉन्जी केक आटा और गुड़ का घर में तैयार हो गया है। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये हेल्दी सा केक कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।